फिर उनको हमारे सत्य स्वरूप की प्रतीति आती है तो बदल जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने ये जीवन कार्य देके भेजा है कि इनका विरोध करना ही तुम्हारा जीवन कार्य है। तो हम मानते हैं कि भगवान ने उनको दिया है, भगवान का काम वो भी कर रहे हैं, हमारा लाभ ही है उसको। हमारी वृत्ति ऐसी है, व्यावहारिक जगत में काम ठीक चले, आगे बढ़े, इसलिए सारी बातें, आवश्यक बातें करते हुए भी मन हमारा हम ऐसा रखते हैं, इसलिए सारे लोग मिले। अभी जिज्ञासा श्री राजपाल यादव गुरुग्राम हरियाणा से, आपकी जिज्ञासा है G20 सम्मेलन में इंडिया बनाम भारत वैश्विक स्तर पर उभरता हुआ प्रतीत हुआ, पूर्ण रूप से अब इंडिया के भारत बनने में कितनी देरी है? तो हम सब लोग भारत कहना शुरू कर दे, उदय क्या है? हम लोग विदेशी भाषाओं में भी बोलेंगे तो भारत को भारत ही कहेंगे, ये हम सब लोग शुरू कर दें तो हो जाएगा। लेकिन भाषा के प्रवाह यानी बोलने के प्रवाह में कभी कभी हम भी इंडिया कह देते हैं, इसलिए गड़बड़ है। तो वैसे तो बाकी कानून प्रावधान वगैरह सब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अधिकृत रूप से भारतीय राज्य घटना ही कहा जाता है, भारतीय संविधान ही कहा जाता है। तो अपनी मातृभाषा में भारत भारत ही है अभी तक, बस एक सरल नियम समझने की आवश्यकता है सबने कि विशेष नामों का रूपांतरण नहीं होता भाषांतर में, वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो हमारे नाम का अंग्रेजी में करने के लिए भाषांतर हो सकता है लेकिन करते नहीं है। गोपाल को हम काउहर्डर नहीं कहते, अंग्रेजी में बोलेंगे गोपाल ही है। ये समझ के ऊपर से नीचे तक सब लोगों ने इसका प्रयोग करना चाहिए, और ऊपर के लोग यानी तंत्र के लोग ऐसा करें, इसलिए समाज में ऐसा होना चाहिए, इंडिया नहीं भारत। और मुख्य कठिनाई उसमें इस बात की नहीं है कि भारत कोई जानता नहीं, इस बात की है कि स्वभाषा में बोलने का अभ्यास, मातृभाषा में बोलने का अभ्यास ये कम होता है। भारत की सभी भाषाओं में भारत को भारत ही कहते हैं, दूसरा नाम नहीं है। लेकिन उन मातृभाषाओं में व्यवहार करने का ही काम ये बंद हो गया है बचपन से। तो अपने घरों में मातृभाषा की, मातृभाषा का अभ्यास नई पीढ़ी को कराना, और हमने आग्रह पूर्वक सब जगह भारत इस शब्द का ही प्रयोग करना, ये करते हैं तो समय तो उधर ही मुड़ रहा है तो वो हो जाएगा सहज रूप से। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।